सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। उतार चढ़ाव के बाद भी अगर कोई व्यक्ति आपका साथ ना छोड़े तो उस व्यक्ति की कद्र हमेशा करना। जब सत्य के असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। आज का पंचांग 7 अक्टूबर 2021 दिन गुरुवार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि, दोपहर 1:47 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चित्रा नामक नक्षत्र रात्रि 9:13 तक रहेगी। इसके उपरांत स्वाति नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 1:42 से 3:09 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:51 से 12:38 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर सुबह 10:18 तक रहेगी। इसके उपरांत तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगे। तुला राशि 7 अक्टूबर 2021 दिन गुरुवार, आज आपको अपने दृष्टिकोण को संसारिक वास्तविकता के साथ संतुलित करने की जरूरत को समझने और इस कला में पारंगत होने की आवश्यकता महसूस होगी। आपकी योजनाएं महत्वाकांक्षी है लेकिन आपको इसके लिए वास्तविक समस्याओं को समझना होगा, नहीं तो आप अपने अच्छे इरादे के बावजूद टकराव महसूस करेंगे। आपको यह भी समझना है कि आपका किसी ऐसे व्यक्ति से भी टकराव संभव है जो आपके ही जितना महत्वाकांक्षी और दृढ़ संकल्पी हो। अभी आपका दिमाग केवल बिजनेस की तरफ है जिसमें निर्णय लेने के लिए आपके ध्यान की आवश्यकता है। अगर आप विवाहित नहीं है तो यह नए रिश्ते के लिए उचित समय हो सकता है। अपने स्तर पर आज खरीद और व्यापार करें। अभी जो इंतजाम आप करेंगे उनसे भविष्य में फायदा होगा। नए निर्णय लेने के लिए पूरे महीने में आज के दिन सबसे बेहतर है। जल्दबाजी में आप अपने स्वयं को या आसपास को बदलना चाहेंगे। बाहरी संसार से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। अगर आपको अपने अंदर कुछ भी पसंद नहीं है तो उसे आप जब चाहे बदल सकती हैं। महिलाएं अपने काम को सहजता और सरलता से पूरा कर लेगी और अपने कामों पर भी उनका ध्यान रहेगा। कोई महत्वपूर्ण यात्रा भी संभव है। आपके अंदर संयम की कमी होने की वजह से आपका नुकसान हो सकता है। लोगों के साथ गलतफहमियां बढ़ सकती है। नुकसान को टालने के लिए हर एक काम में अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें। युवाओं को अहंकार हो सकता है जिसकी वजह से लोगों के साथ संबंध तनावपूर्ण बने रहेंगे। रिलेशनशिप में अपनी भावनाओं पर अधिक महत्व देकर पार्टनर की बातों को नजरअंदाज करना विवाद का कारण बन सकता है। बात और विषय से संबंधित तकलीफ अधिक रहेगी। आईटी क्षेत्र के सीईओ पद पर बैठे लोगों के लिए समय सुखद रह सकता है। एचआर विभाग वालों के लिए अनुकूलता रह सकती है। यूरिन से संबंधित समस्या रह सकती है। पोलो या घुड़सवारी या घुड़दौड़ कार रेस जैसे खेलों के खिलाड़ियों के लिए अनुकूलता रह सकती है। दलालों को लाभ हो सकता है। दास संबंधित कष्ट रह सकता है, ध्यान रखें। प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आगे बढ़िए मगर बेचनी है तो अभी रुक जाइए। किसी राजनीतिक नियुक्त मनोनयन की इच्छुक है तो इस दिशा में आगे बढ़िए। पुरानी चोट परेशान कर सकती है, ध्यान रखें। सावधानियां, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए ज्यादा कोशिश भी करनी पड़ सकती है। किसी की नकारात्मक बात आपको आहत करेगी। घर के बड़े लोगों के स्वास्थ्य तथा मान सम्मान के प्रति अधिक ध्यान रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के बीच रोमांटिक संबंध रहेंगे। अचानक ही किसी प्रयोजन से अचानक ही किसी प्रियजन से मुलाकात खुशी प्रदान करेगी। पति पत्नी या करीबी मित्रों से नजदीकी महसूस करेंगे। रिश्ते के बारे में अपने साथी से बात करें और आगे की योजनाएं बनाएं।
व्यापार या धन संबंधित मामलों को लेकर थोड़ा जागरूक रहें और दूसरों के अनुभवों से ज्ञान लें। रिश्तों को दिल से निभाएं, शब्दों से नहीं। आज अपनी लव स्टोरी के बारे में विचार करने और निर्णय लेने का समय आ गया है। पूरी दुनिया को भूलकर किसी खास के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने के बारे में सोच सकते हैं। दूरियों को मिटाकर नए अध्याय की शुरुआत करें। याद रखें, आपके द्वारा की गई छोटी छोटी चीजें जीवन में नया खुमार ले आएगी। आज आप बहुत सारे कामों में व्यस्त रहेंगे और इसके कारण आप अपने पार्टनर की छोटी सी बात पर भी चिड़चिड़े हो जाएंगे। वे बातें जो आपको पहले अच्छी और सभ्य लगती थी, अब आपको अच्छी नहीं लगेगी। इस चिड़चिड़े स्वभाव से मुक्ति पाने के लिए आपके पास सबसे अच्छा रास्ता यही है कि आप काम से छुट्टी लेकर खास अपने लिए कुछ करें, जैसे एक्सरसाइज या सुंदरता बढ़ाने के लिए कुछ, इससे आपको अच्छा लगेगा। बात करते हैं करियर की। यह आपके व्यवसाय के खिलने के लिए एक शुष्क मौसम है, इसलिए अभी आप अपने व्यक्तित्व को संवारने का प्रयत्न कर सकते हैं। आप एक सक्रिय व्यक्ति हैं और आपकी अच्छे ग्राहक सेवा असंख्य बार आपके ग्राहकों को वापस लाने के लिए प्रेरित करेगी। आपके व्यय नियंत्रण में है, क्योंकि आप हमेशा से सरल तरीकों से अपने खर्चों का निर्वहन कर सकते हैं। आप समय अपने आरामदायक क्षेत्र से निकल कर नए वातावरण में काम करने का, ताकि आप कुछ नया सीखें और अपने कौशल को बढ़ाएं। योजना बनाने और उन्हें पूरा करने के लिए अपने प्रियजनों और पार्टनर की सलाह लेना ना भूलें। नए प्रयासों में लक्ष्य प्राप्ति के लिए यह समय बेहतरीन है। अपने कार्य के प्रति आज आपका दृष्टिकोण सकारात्मक रहेगा। अपने सहकर्मियों की तारीफ करें और अपने सीनियर से बातचीत बढ़ाएं, ताकि आपको नए मौके मिले और कार्य में भी आसानी हो। सपना देखें और पूरी शक्ति लगाकर उसे पूरा करें। जीत आपको ही मिलेगी। बिजनेस की परेशानियों से राहत मिलेगी। आपके काम करने की नई तकनीक सफल रहेगी। लोग आपके कामों की तारीफ करेंगे। ऑफिस में किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में आपके सुझाव को प्राथमिकता मिलेगी। बात करते हैं सेहत की। छोटी मोटी मौसमी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। गला सूखा रह सकता है, ध्यान रखें, या बार बार सूख सकता है। अपने दैनिक रूटीन में स्वास्थ्यकर आदतें भी शामिल करने का समय आ गया है। संकल्प लें कि आप एक महीने में सारी स्वास्थ्यकर आदतें अपना लेंगे। अगर इसमें सफल हो जाए तो इसे करते रहे जब तक कर पाए, लेकिन शुरुआत में इसे लेकर खुद पर अधिक बोझ न डालें। एक सुझाव यह भी है कि अधिक पानी पिए। कोशिश करें कि हर रोज कम से कम 3 लीटर पानी जरूर पिए। आज का उपाय, आज भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।